अस्सलामुअलैकुम। सो फ्रेंड्स, यूट्यूब पर कामयाब होने के लिए आपको अच्छे व्यूज़ और अच्छे वॉच टाइम की ज़रूरत होती है। और अच्छे व्यूज़ किस तरह से आएंगे, उसमें 90% रोल होता है थंबनेल का। अगर आपका थंबनेल ही अट्रैक्टिव नहीं होगा तो आपके व्यूज़ किस तरह से आएंगे और उसके बाद आपका वॉच टाइम कैसे आएगा। अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल थंबनेल किस तरह से बनाया जाता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाले हैं। सो आई गाइस, दिस इज़ वसीम। सो लेट्स गो टू वसीम टेक वन लेटेस्ट टेक्निक। तो यहाँ पर हमने पिक्सा लैब ऐप को ओपन करके रखा हुआ है। अगर आप भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये वहाँ पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से हमने सबसे पहले ये जो तीन डॉट है इस पर क्लिक करके एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम जाएंगे यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी में। तो यहाँ से हमने इस पिक्चर को ओपन कर लेना है। इस तरह की पिक्चर्स आपको गूगल में से भी मिल जाएंगी, तो जैसे आप चाहें, आप खुद की बनाना चाहें तो पिक्सेल ऐप में कलर्स की आपको ऑप्शन मिल जाती है, जैसा कि ये डिफ़ॉल्ट थेन, ये वो सभी कलर्स पड़े हैं, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गूगल से डाउनलोड करना चाहें तो सिंपल कलर या फिर सिंपल डिज़ाइन, कलर फॉर थंबनेल, इस तरह से कुछ सर्च करके आप गूगल से भी ढूंढ सकते हो। तो यहाँ से हमने अब इसका साइज़ सेट कर लेना। सबसे पहले तीन डॉट पर क्लिक करके इमेज साइज पर क्लिक कर देना है। इमेज साइज पर क्लिक करने के बाद ये जो कस्टम लिखा हुआ है इस पर हमने क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर लेना है। एंड उसके बाद हमने ओके पर प्रेस कर देना है। ये हमारा यूट्यूब का साइज़ आ चुका है। अब हमने यहाँ पर एक इमेज लगा देनी है जो कि इस थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाती है। यहाँ से हम इम्पोर्ट पर क्लिक कर देंगे। इम्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इस पिक्चर को उठा लेंगे एंड यहाँ से ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। यहाँ पर ये इमेज अभी सेट है, तो इसके ऊपर हम स्टॉक लगा देंगे। स्टॉक यहाँ से हम ऊपर को करेंगे, तो यहाँ से ये रहा स्टॉक। इस स्टॉक पर हम क्लिक कर देंगे, इसको अनेबल करेंगे। अनेबल करने के बाद कलर चूज़ कर लेंगे, वाइट कलर, इसको थोड़ा सा बोल्ड बना देते हैं। और अब हमने इसको ओके प्रेस करके डन कर देना। तो ये इमेज का काम तो क्लियर हो गया। यहाँ से हमने अब टेक्स्ट ऐड कर देना है। टेक्स्ट में हमने लिख देना है, मेक अट्रैक्टिव। अभी हमने इसको डन कर देना, ओके। तो अब हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसको फोंट दे देना कोई अच्छा सा। यहाँ से ए पर आ जाना। ए पर आने के बाद नीचे आपको फोंट मिल जाएंगे काफ़ी सारे, यहाँ से ये पड़े हैं अभी फोंट, तो कोई अच्छा सा फोंट इसको दे देते हैं। ये अच्छा, ठीक है, ओके हो गया। अभी हमने थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देना है। तो अभी इस पर भी स्टॉक लगा देते हैं, यहाँ से इनेबल, और इसके स्टॉक को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। अब हमने इसको ओके कर देना है और इसके बाद हमने सेकंड टेक्स्ट लिखना है। थंबनेल, उसके बाद हमने इसको ओके पर प्रेस कर देना है। अब हम इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इसको फॉन्ट दे देंगे। इसको हम फॉन्ट चेंज करके देते हैं, ओके। इसको भी हमने अब स्टॉक दे देना, बल्कि सबसे पहले कलर देंगे इसको। कलर इसको ब्लैक दे देते हैं और उसके बाद ओके। अब स्टॉक देंगे, स्टॉक हम इसको वाइट दे देते हैं, बल्कि रेड कलर का स्टॉक होगा। उसके बाद हमने इसको बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड भी आपको यहीं से मिल जाएगा, यहाँ से टी बैकग्राउंड में।
इसको येलो कलर का बैकग्राउंड दे देते हैं, ये रहा। तो ये बैकग्राउंड हो गया। अभी हमने देख लेना है कि हमें किस चीज़ की यहाँ पे कमी लग रही है। तो इसी तरह से आपने पिक्चर्स को एडिट करते जाना और देखते जाना है कि किस तरह किस चीज़ की आपको कमी लग रही है, तो उसको आपने हटा देना है या फिर ऐड कर देना है। तो यहाँ से इस पिक्सल ऐप में आपको ये कुछ भी ऑप्शंस मिल जाती हैं आपको। अगर आप इसको ऐसे करते हो तो ये कलर इधर को बैकग्राउंड का बढ़ सकता है, तो ये वाला लेफ्ट को बढ़ जाएगा। तो हमने अब यहाँ से इसको टिक पर क्लिक कर देना है और इसके स्टॉक हमने हटा देने हैं। स्टॉक इसके अच्छे नहीं लग रहे तो इसलिए हम स्टॉक्स को ख़त्म कर देंगे। स्टॉक पर क्लिक करके इसको डिसेबल करेंगे। डिसेबल करके अच्छा रहता है। तो अभी नेक्स्ट वाला टेक्स्ट हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं ऑन एंड्रॉयड। अब हमने इसको डन कर देना है। डन करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको यहाँ पे ले आएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। यहाँ से इसको भी हमने बोल्ड कर देना है। बोल्ड मतलब फ़ॉन्ट सी होगा, फ़ॉन्ट कोई अच्छा से दे देते हैं इसको। ये वाला फ़ॉन्ट इसको देते हैं। अभी इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम इसको भी स्टॉक देते हैं कोई अच्छा सा इनेबल। यहाँ से इसको ये वाला स्टॉक देते हैं और उसके बाद कलर देते हैं इसको रेड कलर। अब इसकी एडजस्टमेंट देख लेनी है आपने, किस तरह की रखनी है आपने। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब ये सेट है। और ऊपर वाला जो थंबनेल लिखा है उसको भी थोड़ा सा नीचे करेंगे ताकि दोनों के दरमियान अच्छे से सेट हो जाए, ये रहा। अभी शॉर्टकट से हमने लिखा है जो भी लिखा है, तो उसके बाद हमने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे ऐड कर देनी है जो कि थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाए। तो उसके लिए हमने गूगल से ले लेनी है पिक्चर्स। यहाँ से हम जाएंगे गूगल में। गूगल में हम एंड्रॉयड की किसी पिक्चर को लेंगे। यहाँ पे आप एंड्रॉयड पीएनजी भी लिख सकते हैं। पीएनजी में आपको पीएनजी पिक्चर्स मिल जाएंगे जिसका बैकग्राउंड नहीं होगा। सर्च। अब यहाँ से आपको पीएनजी पिक्चर्स मिल जाएंगी एंड्रॉयड की। तो इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस पर क्लिक किया, लॉन्ग क्लिक, डाउनलोड इमेज, डाउनलोड होगी। अभी हम जाएंगे अपने पिक्सल ऐप में। अब यहाँ पर हमने क्लिक करना है, उसके बाद इंपोर्ट। इंपोर्ट से अब हमने इसके एंड्रॉयड वाले आइकन को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड ख़त्म नहीं है। तो बैकग्राउंड ख़त्म करने के लिए मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ बैकग्राउंड आपने किस तरह से ख़त्म करना है। आपको अगर पीएनजी पिक्चर नहीं मिलती है तो उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है बीजी रिमूव। यहाँ से आपने पहली वेबसाइट पर जाना और उसके बाद यहाँ से आपने अपलोड इमेज पर क्लिक करके उस इमेज को अपलोड कर देना है। तो ये विद इन सेकेंड आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। अब हमें इसको डाउनलोड कर लेना है। ये हमारी पिक्चर डाउनलोड होगी जिसका बैकग्राउंड नहीं है। तो अभी हम जाएंगे पिक्सल ऐप में फिर से। तो यहाँ से इसको हम डिलीट कर देंगे। तो अभी न्यू इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में जाने के बाद ये रही हमारी बैकग्राउंड के बगैर जो पिक्चर अभी हमने बनाई। ओके जी फ्रेंड्स, ये होगा बैकग्राउंड के बगैर हमारे पास पिक्चर आ गई है। तो अभी इसको हमने यहाँ पे कहीं सेट कर देना है। यहाँ से ये होगी। अभी हमारा ये थंबनेल बहुत ही अट्रैक्टिव बन चुका है। अगर आप इसको देखें तो क्लिक लाजमी करें। आपने अपना थंबनेल बनाने के बाद ये चेक करना है कि अगर आपके सामने वो थंबनेल आ जाए तो आप क्लिक करोगे। क्लिकेबल थंबनेल हो तो उसी के लिए आपको व्यूज़ भी मिलेंगे और वॉच टाइम भी अच्छा मिलेगा। इस तरह से आप भी अपना अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई लास्ट में करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।